भारत और बांग्लादेश के गंगा डेल्टा में स्थित सुंदरवन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन है। यह अविश्वसनीय परिस्थिति तंत्र मैजेस्टिक बंगाल टाइगर सहित वन्य जीवों का घर है और प्राकृतिक की शक्ति का एक प्रमाण है। मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं सुंदरवन में नाव द्वारा दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन की खोज का चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। आइए देखें कि कौन से रोमांच हमारे इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेनिंग जर्नीज। अभी मैं हूं सुंदरवन में एंड आई होप मेरा पिछला जो वीडियो है कोलकाता से सुंदरवन पहुंचने का, हाउ टू रीच सुंदरवन फ्रॉम कोलकाता, आई होप आप सब लोग को पसंद आया होगा। तो अभी ये एपिसोड 2 में हम लोग जा रहे हैं, मतलब सुंदरवन का जो सीरीज है एपिसोड 2 में हम लोग आज करने वाले हैं सुंदरवन का जो जंगल सफारी है, तो वो आज करने वाला है बाय बोट। तो आज अभी हम लोग रेडी हैं, फिर हम लोग का बोट आएंगे, बोट आने का बाद हम लोग बोट में सवारी होके हम लोग जाएंगे सुंदरवन एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे जो सुंदरवन का जो टूर होता है एक्चुअली बहुत 3-4 आइलैंड का ही टूर होता है, ये तो वॉच टावर का टूर होता है। आज हम लोग जाने वाले हैं शोजनेखाली, दोबाकी एंड सुधान्योखाली, और मैं अभी खड़ा हूँ पाखीरादाय में, और मेरा ऑपोजिट में जो पूरा एकदम दिख रहा है पीछे वाला वही है शोजनेखाली टाइगर रिजर्व। तो वहाँ पे फॉरेस्ट का ऑफिस है, तो वहाँ से हम लोग जाएंगे फॉरेस्ट का ऑफिस में हम लोग परमिशन दिखा के फिर हम लोग का बोट निकल जाएगा पूरा जंगल की टूर की तरफ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ सुंदरवन जंगल टूर बाय बोट, तो स्टे ट्यून्ड। अभी टाइम हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना बोट की तरफ, और बोट का नाम है शायद गंगा यमुना। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो एक घाट है तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो बोट सफारी यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी हम लोग यहाँ से बोट स्टार्ट करके जाएंगे पहले शोजनेखाली से परमिशन दिखा के, देन वी विल गो टूवर्ड्स द जंगल। और सुंदरवन का जो बोट सफारी होता है वो मॉर्निंग से लेके करीबन 8:30-9 बजे से स्टार्ट होता है, क्योंकि 9 बजे यहाँ पे फॉरेस्ट का जो ऑफिस है वो 8:30-9 बजे ओपन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन चेक करके सब धीरे धीरे बोट जो है उसको छोड़ते हैं। और सुंदरवन का जो बोट सफारी है ये बोट सफारी करीबन 8:30-9 बजे से लेके शाम को टिल सनसेट तक होता है, फुल डे। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे सब कुछ खाना, सब कुछ स्नैक्स का अरेंजमेंट्स यहाँ पे ही रहता है। तो मेरा हम लोग का जो बोट है, बोट का नाम है गंगा यमुना, शायद वहाँ पे खड़ा है गंगा यमुना बोट। तो ये बोट पे हम लोग अभी जाएंगे, अभी तक कोई सवारी आया नहीं, जो भी यात्री है टूरिस्ट वगैरह है हम लोग की पहले आ गया, क्योंकि हम लोग का इंटरेस्ट ज़्यादा है। और बोट सफारी में क्या होता है, यहाँ पे शेयरिंग्स भी होता है और कस्टमाइज भी होता है, अगर कोई पूरा बोट हायर करके ले सकता है तो ले सकता है। तो हम लोग इस बार जो आए हैं तो हम लोग शेयरिंग में जा रहे हैं, शेयरिंग करके हम लोग जाएंगे पूरा डे बोट सफारी करने के लिए इनसाइड द जंगल। सुंदरवन में मेरा बहुत बार आ चुका हूँ मैं, बहुत बार मतलब बहुत बार, हम लोग जब भी आते थे पहले तो ये बोट में हम लोग घूमते थे। इसका बोट का नाम है बुनलता, ये बोट जो है बहुत छोटा है और बहुत एफिशिएंट है। और ये जो भैया है ये ड्राइवर है यहाँ का, ये हम लोग को पूरा सुंदरवन घुमाते थे। तो अभी ये बोट का मरम्मत चल रहा है बोल के हम लोग ये बोट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट कब आए घूम रहा बोलो, घूम रहे नहीं है तो ठीक है, उसको मैंने पूछा तो कब लेके जा रहे हैं, बोले गर्मी के टाइम में आई है, गर्म गर्म में गर्मी के टाइम में अगर आते हैं ना तो वहाँ पे
साइटिंग का चांसेस बहुत रहता है सब जगह पे। तो अच्छा लगा बहुत दिन बाद मिलने से। ये बोट पे हम लोग जाते थे, अभी ये बोट में जाएंगे अभी। अच्छा थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे भी और भी टूरिस्ट आने वाला है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, टूरिस्ट जब आएंगे लोग निकल जाएंगे। समुद्र का बढ़ता स्तर और जलवायु परिवर्तन सुंदरवन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहा है। बड़े पैमाने पर वाइल्ड लाइफ के आवास पे नुकसान हो रहा है, जो इसे अपना घर कहते हैं। विशेष रूप से बंगाल टाइगर को अपना निवास स्थान के शिकुंड ने और बढ़ते मानव बाघ संघर्ष के कारण अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। मैंग्रोव प्रभुत्व वाला डेल्टा सुंदरवन एक जटिल परिस्थिति की तंत्र है, जिसमें दुनिया के मैंग्रोव वन के तीन सबसे बड़े सिंगल ट्रैक में से शामिल है, जिसका बड़ा भाग बांग्लादेश में तथा छोटा भाग भारत में स्थित है। अनुमान है कि जंगल का भारतीय हिस्सा लगभग 40% है, जबकि बांग्लादेश की हिस्सा 60% है। सुंदरवन वाइल्ड लाइफ एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का घर है, जिसमें क्रोकोडाइल, मॉनिटर लिजर्ड और पक्षियों के 400 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। यह एक ऐसा दुनिया पर एक विशेष अधिकार प्राप्त नजर है, जो अक्सर मानव आंखों से छिपे रहते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं, ये जगह का नाम है सुधन्नोखाली। ये भी एक यहाँ पे एक वॉच टावर है। ये वॉच टावर से क्या होता है, यहाँ से पूरा जंगल का जो एरिया है पूरा दिखाई देता है। तो अभी मैं एंट्री ले चुका हूँ सुधन्नोखाली वॉच टावर के अंदर। तो अभी हम लोग जाएंगे वॉच टावर की तरफ। और यहाँ पे जो है एक मंदिर है, ये मंदिर को बोला जाता है माता बनवीवी। सुंदरवन का जो देवी है उनका नाम है माता बनवीवी। ये भी जंगल के अंदर ही है, बट यहाँ पे फेंसिंग दिया हुआ है ताकि वाइल्ड एनिमल्स इसके अंदर ना आ सके। और एज सुंदरवन में जंगल में उतरना अलाउ नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है वॉच टावर किया गया है, ताकि सब जो टूरिस्ट लोग हैं जंगल को देख सके और जंगल को थोड़ा समझ सके। और यहाँ पे मैन मेड दो मीठा पानी का पुल बना हुआ है, सो दैट एनिमल्स कैन कम एंड हैव देयर वाटर। जैसे जैसे हम मैंग्रोव में गहरे तक जाते हैं, सुंदरवन के सुंदरता सामने आने लगते हैं। जैसे ही हम मैंग्रोव का पता लगाते हैं, हमारे नजर एक विशाल खारे पानी के मगरमच्छ पर पड़ते हैं। अभी तो कुछ साइटिंग हम लोग का हुआ नहीं, क्योंकि अभी हाई टाइड चल रहा है। तो बहुत देर चलने के बाद यहाँ पे क्रोकोडाइल का साइटिंग हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। सो वी आर
confirm, reach the place where you can see the crocodile is lying, the tank alligator. Shayad wahan pe leta hua hai. इसका विशाल आकार विस्मयकारी है और हमें इन अविश्वसनीय प्राणियों और उनके आवासों का सम्मान करने की महत्व की याद दिलाते हैं। हमारे एडवेंचर का मुख्य आकर्षण तब होता है जब अचानक हम एक मैजेस्टिक बंगाल टाइगर को नदी नहर पार करते हुए देखते हैं। हम इस अविश्वसनीय शिकारी से मात्र कुछ फीट दूरी पर है और रोमांच स्पष्ट है। ये एक ऐसा मोमेंट है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे और ये प्रकृति के सुंदरता और शक्ति का एक प्रमाण है। सुंदरवन टाइगर को देखने के लिए दुनिया में सबसे अच्छे जगहों में से एक है और थोड़े से लक और कुछ केयरफुल प्लानिंग के साथ आप भी एक समान अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सुंदरवन प्राकृतिक आश्चर्यों का एक खजाना है और यह आवश्यक है कि हम सभी इसका रक्षा के लिए अपने शक्ति में सब कुछ करें। जैसे ही हम अविश्वसनीय परिस्थिति के तंत्र को पीछे छोड़ते हैं, हम आश्चर्य और विस्मय की भावना के साथ साथ ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी की भावना से भी बचे रहते हैं कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित है। आज सुंदरवन टूर का हम लोग का ये लास्ट वॉच टावर है, ये इसका नाम है दोबा की। हम लोग गया था सोजने खाली, शुधानो खाली और ये लास्ट टावर वॉच टावर है, इसका नाम है दुबाकी। यहाँ पे कैनोपी वॉक है, मतलब जंगल के अंदर बना हुआ है रास्ता है, तो फेंसिंग किया हुआ है, यहाँ से जाना पड़ता है सो दैट कोई एनिमल का साइटिंग हो वगैरह कुछ हो, और यहाँ पे एक वॉच टावर भी है। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं दुबाकी, उसके अंदर देखते हैं क्या माहौल बनता है। एज सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव है, इसीलिए यहाँ पे जंगल के अंदर उतरना या तो प्रवेश करना एकदम अलाउ नहीं है। सुंदरवन के अंदर जो ट्रिप होते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट सफारी होते हैं वगैरह, तो ये होता है ओनली बाय बोट। और यहाँ पे बहुत जगह पे गवर्नमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वॉच टावर किया हुआ है। जैसे हम लोग अभी आ गए दुबाकी और जिसके अंदर से हम जा रहे हैं इसको बोलते हैं कैनोपी वॉक, और ये मेरा बीच में
मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, फेंसिंग किया हुआ है और मेरा दो साइड में पूरा ओपन जंगल है, पूरा ओपन जंगल है। अगर कुछ एनिमल का मूवमेंट होता है तो यहाँ से साइटिंग किया जा सकता है। यहाँ पे टाइगर साइटिंग बहुत होता है, टाइगर आता है बिकॉज इट्स ओपन जंगल और यहाँ पे टाइगर का पग मार्क मुझे दिख रहा है, तो इट्स लिटिल बिट थोड़ा पुराना है शायद, टाइगर का पग मार्क मुझे दिखाई दे, ये टाइगर का पग मार्क है जहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ। अभी हमें आ गया है डोवा की गए जो वॉच टावर है, ये वॉच टावर, इसके ऊपर उठ के हम लोग सब वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं, मतलब पूरा सुंदरबन जो जंगल है, जंगल का एरिया हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेश वाटर पॉन्ड भी है, स्वीट वाटर पॉन्ड, तो कि जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट से बना हुआ है, दैट्स वाई बिकॉज यहाँ पे कुछ एनिमल्स आके पानी पी सकता है, क्योंकि सुंदरबन जो है बेसिकली इट्स अ सॉल्ट वाटर, यहाँ पे जो भी नदी वगैरह है सब सॉल्ट वाटर है। हम लोग अभी दोबा के वॉच टावर के ऊपर उठ रहे हैं, उठ के देखता हुआ कुछ यहाँ पे साइटिंग वगैरह होता कि नहीं। यहाँ पे शायद दो डियर भी दिख रहा है, बहुत सारा टॉर्टोइस भी है लेकिन नेचुरल है, और एक टॉर्टोइस या तो दो टॉर्टोइस शायद मेटिंग में है। यस, एंड दिस इज द मेटिंग सीजन, ब्यूटीफुल। सुंदरवन के माध्यम से इस एडवेंचर यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई विचार या कमेंट्स है तो कृपया उन्हें नीचे छोड़ें, और भी एडवेंचर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर हमारा वीडियो देखें।